नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे खान सर के एनसीईआरटी भूगोल भारत एवं विश्व के भूगोल के बहुत ही बेहतरीन बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर 12 तक के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया सार संग्रह के रूप में, वन लाइनर अप्रोच है और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बुक दोस्तों कॉन्सेप्ट बूस्टर है जिसमें सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, विश्व का क्षेत्रीय भूगोल और भारत का भूगोल और मानचित्र देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट। इस बुक के साथ आपको एक कूपन कार्ड देखने को मिलेगा दोस्तों। मैं बता दूं, ये बुक दोस्तों किरण पब्लिकेशन का बुक है जो कि खान सर के द्वारा लिखा गया है। इस बुक के साथ आपको कूपन कार्ड देखने को मिलेगा। ये कूपन कार्ड है जिसमें 2000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूगोल के आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप्स लिखे गए हैं कैसे कैसे इसको कूपन को यूज़ करना है, सारा कुछ आपको दिया गया है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। इस बुक का जो MRP है 225 रुपये, जिस पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बुक का कोड दोस्तों देखिएगा 4131 है, इस बुक का कोड है। और यहाँ पे दोस्तों देखिएगा इनकी 5 से 8 बुक आते हैं जिसमें अर्थव्यवस्था, भूगोल, इतिहास, राजव्यवस्था और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टोटल पांच बुक आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। और एक ये भूगोल का बुक हो जाएगा तो 8 बुक आपको देखने को मिलेगा टोटल, ठीक है। तो इन 8 बुक को आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ये खान सर का बुक है। एनसीईआरटी के 7000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए गए, क्लासिक से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी का सार संग्रह, ये बहुत ही अच्छा बुक है। चलिए दोस्तों इस बुक के कंटेंट को दोस्तों हम देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, इस बुक का MRP मैंने बताया 225 है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। अब दोस्तों हम बात करते हैं विषय सूची के बारे में। तो विषय सूची में सबसे पहले भारत का भूगोल हो गया, ब्रह्मांड से संबंधित तथ्य एवं वे सिद्धांत हो जाएंगे, सौर्यमंडल हो जाएगा, पृथ्वी और उसका उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा, उसके बाद अस्थल मंडल, चट्टान, मृदा और ज्वालामुखी, भूकंप, अस्थल मंडल 2 हो जाएगा, पर्वत, पठाल, मैदान, झील आदि, वही जर्द बल और विभिन्न स्थलाकृति हो जाएगा, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना हो जाएगा, जल मंडल हो जाएगा, प्राकृतिक प्रदेश, वनस्पति एवं मिट्टियाँ, उसके बाद विश्व का आर्थिक भूगोल हो जाएगा, विश्व का सामाजिक भूगोल हो जाएगा, विश्व का क्षेत्रीय भूगोल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे भौतिक अवस्थिति एवं भूगोल, भूगर्भिक संरचना, उसके बाद भौतिक स्वरूप एवं भू आकृति प्रदेश हो जाएगा, भारत का अपवाह तंत्र हो जाएगा, मौसम एवं जलवायु हो जाएगा, मृदा एवं वनस्पति हो जाएगा, भारतीय कृषि संबंधित क्षेत्र हो जाएगा, सिंचाई एवं बहुदेशीय परियोजना हो जाएगा, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन हो जाएगा, भारत के प्रमुख उद्योग एवं परिवहन हो जाएगा, भारत की जनसंख्या गत वर्षों के दौरान पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में महत्वपूर्ण मानचित्र आपको देखने को मिलेगा, विदेश के महत्वपूर्ण मानचित्र, भारत और विदेश दोनों के महत्वपूर्ण मानचित्र। 312 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है दोस्तों, और बुक का MRP 225 है, जिसपे ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब कंटेंट को हम देखते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों भूगोल क्या है, तो भूगोल क्या है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर किए गए हैं, साथ में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर किया गया है। जैसे देखिए साइरिन इरेटोनिजे क्या होता है, भौगोलिक सूचना तंत्र क्या होता है, ठीक है, प्रमुख है आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको इस तरह से हाईलाइट करके दिया गया है, भारत के 3 प्रमुख शाखाएं हैं। तो इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की थ्योरी भी देखने को मिलेंगे, तो थ्योरी प्लस में वन लाइनर इस बुक में आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि खान सर के द्वारा ये बुक लिखा गया है, तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद किसे कहते हैं निहारिका क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ब्रह्मांड से संबंधित है, सारा कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक के अंदर कवर किया है इन्होंने। तो ये बुक लीजिए दोस्तों, बुक का बहुत ज़्यादा फायदा है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी बुक साबित होने वाला है। सौर्यमंडल हो गया, सारा कुछ बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। ये दोस्तों देख सकते हैं फिगर भी बहुत ज़्यादा क्लियर आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट नोट भी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा और ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा अच्छे तरीके से। तो इस बुक को दोस्तों ले लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे टॉपिक को कवर किया गया है, वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी कवर किया गया है, आप देख रहे हैं, ठीक है, थ्योरी के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो बुक दोस्तों आप लीजिए, प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर क्वालिटी आपके सामने है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है दोनों। और चलिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है दोस्तों, यहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट नोट आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, गत वर्षों के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, खनिज, भारत के उद्योग, ठीक है, और उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप दोस्तों देख रहे हैं, हर पेज में कवर किया गया है। ये रेलवे से रिलेटेड है,
उसके बाद अगर हम देखेंगे भारत की जनसंख्या, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, हाँ यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, 24वां अध्याय में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख जाएगा। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा जो क्वेश्चन है कितना शानदार क्वेश्चन है। आकाश गंगा मंदाकिनी को किसने सबसे पहले देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। अगर आप इनको भी देख लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो भी एग्जाम है अभी तक, जो भी एग्जाम हुआ है, सारे एग्जाम को मिला के यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी कवर किया गया है, जो इसमें छूट गया है उनको भी कवर कर दिया गया है, ताकि आपका मतलब कहीं से भी कुछ छूटे नहीं, तो इसका ध्यान रखा है कांसर ने। काफ़ी ज़्यादा शानदार बुक है दोस्तों, इस बुक को आप लीजिए, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। भारत के महत्वपूर्ण मानचित्र आपको देखने को मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, और यहाँ पे मानचित्र को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है, हाईलाइट किया गया है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताया गया सिक्किम होता है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश होता है। तो मैप के थ्रू पढ़ने से क्या होता है ना, आपको चीज़ें याद अच्छे तरीके से रहने वाले हैं, और ज्योग्राफी में तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है मैप। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में मिलता है, तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप मैप के जरिए कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं भारत के प्रमुख पर्वत हो गए, भारत के प्रमुख दर्रे हो जाएंगे, उसके बाद भारत के प्रमुख बंदरगाह हो जाएंगे, भारत के प्रमुख झीलें एवं जल प्राय हो जाएंगे, भारत की जनजातियाँ हो जाएंगे, विश्व के महत्वपूर्ण मानचित्र हो जाएंगे, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और विश्व का भी मानचित्र आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है कि कहाँ पर क्या है, सारा कुछ आपको बताया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए अंटार्कटिक महासागर है, तो कैस्पियन सागर कहाँ पे है तो ये बताया गया है, बैकाल झील रूस में है तो ये बता दिया गया है। तो जो इम्पॉर्टेंट है उनको कवर किया गया मैप के थ्रू, विश्व का और भारत का, ठीक है। तो बुक दोस्तों आप ले लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी को काफ़ी शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से इस बुक के अंदर कवर किया गया है। और ये बुक मैंने बता दी, टोटल आपको 8 बुक मिलेंगे, सभी का लिंक बोलिएगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इस बुक के अंदर सारा कुछ ध्यान रखा गया है आपके एग्जाम से रिलेटेड। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।